जी हाँ, अब भारतीय तेजस को बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसे भारतीय प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी या जो फॉरेन प्राइवेट कंपनियां हैं, विदेशी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बनाएंगी, इस बात को आपका जानना जरूरी है। इन सब पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, साथ ही एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है चेल ने कि वो अगर उसे जो एयरफोर्स से जो ऑर्डर मिलने वाला है 80 से 85 तेजस का, उसे वो 3 साल में डिलीवर कर देंगे। क्या वो इसमें सफलतापूर्वक कामयाब हो पाएंगी, इस पर हम बात करेंगे। प्रोडक्शन लाइन के सुधार को लेकर क्या बात हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही कितने तेजस प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस वीडियो लेकर आते रहता हूं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में देखिए इंस्टाग्राम के लिंक पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आपको आने वाले लखनऊ एयर शो की सारी एक्सक्लूसिव वीडियोज मिलने वाली है। तो दोस्तों, एचएल ने एक बहुत ही बड़ा प्लान अनाउंस किया है। उनका कहना है कि वो आउटसोर्स करने वाले हैं जो सिग्निफिकेंट जो पार्ट्स होते हैं 38,000 करोड़ की वर्थ के, यानी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। इसके तहत जो भारत अभी तक तो जो खबरें आई कि भारतीय जो कंपनियां हैं, जो हमारी लोकल फर्म्स हैं जो एरोनॉटिक फील्ड की हैं या फिर जो डिफेंस फील्ड की हैं, उनसे एक तरीके से इसके पार्ट लिए जाएंगे और 35% तक जो इसके पार्ट्स होंगे वो आउटसोर्स किए जाएंगे। कारण इसका ये बताया जा रहा है कि तेजस को डिलीवर करना है सिर्फ 3 सालों के अंदर। एयरफोर्स यही चाहती है कि अगर आप इसे 2 से 3 सालों में डिलीवर कर सकते हैं इनको, तो हम आपको ऑर्डर देने को तैयार है, नहीं तो वो पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए जो आपको जानते हैं कि एचएल की जो प्रोडक्शन लाइन कितनी स्लो है, उन्हें मतलब कि किसी भी चीज़ की डिलीवरी करने में कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए एयरफोर्स की इस इच्छा को फुलफिल करने के लिए उन्हें लोकल पार्टनर्स को लाना होगा। एचएल भी ये मान चुकी है कि अगर उसे बहुत तेज़ी से अपनी प्रोडक्शन लाइन को सुधारना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर बहुत ही कम समय बनाने हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही इसमें कामयाबी दिला सकती हैं। इसके तहत जो रडार सेंसर होंगे, जो बहुत ही एडवांस चीज़ें, इन्हें इंडिजिनसली जो कंपनियां हैं उनसे ही खरीदा जाएगा, और ज़्यादातर जो पार्ट्स इसमें होंगे ये भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से ही लिए जाएंगे। इसके 2 फायदे भी होने वाले हैं। एक तो हमारा जो तेजस जो इसकी डिलीवरी है वो सही समय पर एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएगा। दूसरी बात ये होने वाली है कि जो हमारी डिफेंस सेक्टर कंपनियां हैं ये भी मजबूत होगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में भी ऐसे ही किया जाता है। अमेरिका में क्या किया जाता है कि वहाँ पर भी कोई भी एक तरीके से सरकारी कंपनी तो नहीं है, सरकार का छोटा छोटा स्टेक ही होता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा फंड देकर किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है। फिर वो जब उसका डिजाइन और पूरा प्लान देती है, जिसका भी प्लान सबसे सही होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, वहाँ पर बिडिंग प्रोसेस नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कंपनी है एचएल, बिना सोचे समझे उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और फिर जब उसे पता है उसकी मोनोपोली है किसी चीज़ में, तो फिर तो वो चाहे उसे 2 साल लेट बनाए 3 साल लेट बनाए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से एयरफोर्स सख्त है, जी हाँ, जिस तरीके से डीआरडीओ पर सख्ती एयरफोर्स एमका को लेकर, इस तरीके से इसकी तेजस की जो प्रोडक्शन लाइन है इसमें सुधार लाने के लिए सख्त हुई है एयरफोर्स, और साफ कहा है कि 2 से 3 सालों में आपको ये सब हमें डिलीवर करने ही होंगे। क्या ऐसा करने में कामयाब हो सकती है? देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इस तरह की जो बातें निकल कर आई है, 38,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो शायद ये जल्दी हो सकता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि 3 साल शायद एचएल इसे कंप्लीट ना कर पाए। बहुत से जो एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि 3 साल का जो समय है शायद उसे कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन मान लीजिए अगर वो 3 सालों में 80 भी ना कर पाए तो शायद 50-60 तो वे कर ही पाएंगे। ये भी एक अपने आप में बड़ा नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि फिलहाल जो प्रोडक्शन लाइन है वो 10 से 15 पर ईयर बनाने की ही है फिलहाल एचएल की, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के आने से वो बढ़ेगी। जी हाँ, ये एक बड़ी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है खैर, और इससे उम्मीद है कि तेजस के प्रोडक्शन लाइन में सुधार आने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक क्विक वीडियो था, आपको जल्द ही एक बड़ी वीडियो मिलने वाली है 10 मिनट की, मैंने उस पर बड़े अच्छे से काम किया है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, कल या परसों तक आपको जरूर मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।